एडिटर प्लीज मेरे सर पे ग्लास रख देना, नहीं तो अजीब दिखेगा। सब लोग आज की वीडियो में हम लोग वापस एक बार करने वाले हैं चोरी। देखो मिस्टर बीस का नया वीडियो आया, बेचारे को बस 2.8 मिलियन व्यूज आए हैं। पहले देखो कितने व्यूज आते थे, 206 मिलियन, 194, 144, 209। अभी बस 2.8 मिलियन व्यूज आए, इसलिए उसको मेरी जरूरत है। तो हम लोग मिस्टर बीस को रिएक्ट करके तो व्यूज दे देंगे। तो आज के वीडियो में मिस्टर बीस से 100 कुत्तों को अडॉप्ट, हिंदी का प्रवचन तो मेरा गंदा है, इंग्लिश का भी। मिस्टर बीस ने 100 कुत्तों को अडॉप्ट किया है। एक्चुअली इस थंबनेल में जो भी कुत्ते वो बहुत ज्यादा क्यूट है, बट मुझे कुत्ते पसंद नहीं है। पसंद नहीं मतलब मेरे को बहुत डर लगता है, जब भी रास्ते में कुत्ते होते हैं मैं उल्टे डायरेक्शन में चल जाता हूँ। बचपन में क्या हुआ था, एक ब्लैक कलर का कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा, तब से मेरा डर गया नहीं है। वो वोडाफोन का कुत्ता होता था, मेरे को उससे भी डर लगता था। Let's go, देखते हैं चलो इसका वीडियो। In this video, we're up over 100... नहीं 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 नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी। ये वीडियो में हमारे साथ है 100 कुत्ते और ये कुत्तों को मैं ये करने वाला हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। Mr. Beast, I love you. Please unfollow मत कर, please. इस वीडियो में हम मदद करने वाले हैं 100 अलग अलग स्ट्रे डॉग्स। भाई ये सामने जो ये ब्लैक कलर का कुत्ता है ना, ये बहुत स्केरी लग रहा है मुझे। देखो आई नो तुम लोग में से बहुत सारे लोग हो जिनको कुत्तों से बहुत प्यार है, प्लीज मुझे समझो जरा, बहुत डर लगता है मुझे। मेरा एक दोस्त है जिसको कबूतर से डर लगता है। उससे तो बेटर है ना, कुत्तों को दांत होते हैं यार, इतने सारे शार्प शार्प दांत होते हैं, कबूतर को तो दांत भी नहीं होते। घर ढूंढने में इन सारे डॉग्स में एक बात कॉमन है और वो ये, एंड द रीजन मैं ये वीडियो सॉरी मैं पॉज कर रहा हूँ, आई नो आई एम सॉरी, प्लीज कमेंट्स में मुझे गाली मत दो। ये वीडियो इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट का वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि इस 15 मिनट में मैं भी कुत्तों से थोड़ा बहुत प्यार करना लगू। हिंदी की वाट लगा रहा हूँ ना आज, मैं भी कुत्तों से प्यार करना लगू, लग जाऊ। इन सारे डॉग्स में एक बात कॉमन है और वो ये है कि उन्हें छोड़ा गया था या इन्हें किल शेल्टर से बचाया गया था। इस वीडियो के अपलोड होने तक इनमें से कुछ की तो मौत भी हो जाती। ये एक्चुअली बहुत सैड चीज है, मेरे बिल्डिंग के नीचे भी बहुत से स्ट्रे डॉग्स हैं, उनका बहुत कभी कभी प्रॉब्लम होता है। कुछ स्ट्रे डॉग्स को चलने को भी नहीं होता, बहुत बार ये कुत्ते गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आई अग्री, बट मुझे फिर भी डर लगता है। हम इन सबको लेकर आए हैं इस बड़े से डॉग सैंक्चुअरी में ताकि लोग इन्हें अडॉप्ट कर सके। और आपको दिखाने के लिए कि हम कितने सीरियस हैं, हमारे पास है ट्रेनर्स की एक आर्मी, वॉकर्स और एक पूरी टीम जो डॉग्स का अच्छी तरह से ध्यान रख सके। ध्यान रहे कि इन्हें बहुत सारा प्यार मिले क्योंकि मैं इन्हें खुश देखना चाहता हूँ। आई नो कि बहुत खुश थे इस दुनिया में, स्पेशली जब पहला अडॉप्टर आया। वेलकम अंदर। दुनिया में बहुत लोग कुत्तों से प्यार करते हैं, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं। तुम लोग मुझे प्लीज कमेंट में बताओ कि डू यू लाइक डॉग्स कि नहीं, एंड अगर तुम लोग को नहीं पसंद क्यों नहीं पसंद, क्या तुम लोग के भी पीछे बचपन में कुत्ते पड़े थे, स्टोरीज बताओ। आ जाइए क्या एक डॉग होकर भी आप एक और अडॉप्ट करना चाहोगे? हाँ, हमें एक छोटा डॉग चाहिए जो इसका दोस्त बन के रहे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये दो रैंडम लोग कहाँ से आए, हमने हजारों लाखों डॉलर्स खर्च करके पूरे रीजन में एड कैंपेन्स किए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। बिस्किट के बारे में क्या ख्याल है? ओ, ये बहुत क्यूट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन्हें पार्क में ले जाकर खेलने दे सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा, वो साथ भाग रहे हैं। हाँ, हम इसे पसंद करते हैं। आप इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, हमें ये बहुत पसंद आई। एक हो गया, 99 और बाकी हैं। ओ, एक डॉग भाग गया, हमने तुम्हें घेर लिया है, सब इसे चीयर कर रहे। बाप रे भाई, मैं इस रूम में नहीं रह सकता, इतने कुत्तों के साथ मैं इस रूम में नहीं रह सकता। आई नो कि कुत्ते केज में है, यार डर लगता है यार। क्या तुमने कभी वो बड़ा वाला कुत्ता देखा है? भाई वो बड़ा वाला कुत्ता इतना स्केरी है। ये क्या है भाई, ये टाइगर है। मैंने ना ऐसे कुत्ते देखे है मुंबई की सड़कों पे, एक दो बार मैंने देखे है भाई, ऐसा लिटरली लगता है कि टाइगर चल रहा है आपके वायु से। जाने दो, हम लोग वीडियो देखते हैं। मिस्टर बीस को हमारे व्यूज की जरूरत है। बार्कली ऑफिशियली अडॉप्ट हो गया है, कांग्रेचुलेशंस। कुत्ते अडॉप्ट हो गए। और जब अगली फैमिली अंदर आई, चलो अकेले एक डॉग ढूंढते हैं। देखो तुरंत एक डॉग को नोटिस किया। ये तैयार है। कितने डॉग्स ले? जितने बहुत छोटा है चार्ली और नगेट। इतने साथ में कितना अच्छे लग रहे हैं। चार्ली और नगेट को बाय बोलने के बाद सब कुछ तेजी से होने लगा। हाय, मैं काल हूँ, क्या आप मेरी जगह एक डॉग से मिलना चाहोगे? हाँ, और इसलिए मैं यहाँ पर आई। चैंडलर, मिलकर अच्छा लगा। क्या हाल है, मैं हूँ जेमी। देखकर लगता है आपको ब्राउनी पसंद आएगा। क्यूट है। पहला दिन खत्म हो चुका है और 8 डॉग्स अडॉप्ट हुए हैं। जाहिर है क्यूट फ्लफी डॉग्स को घर मिलना बहुत आसान है। इन 100 डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में महीने लग जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन पर हमारे एड कैंपेन का शुक्रिया, हमारे पास 10 गुना ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। Oh my gosh! इस क्यूट पपी के साथ खेलना चाहोगे? Oh my gosh! जैसे ही कोई अंदर आता है, हम उन्हें पहले एक क्यूट पपी दिखाते हैं और ये काम कर रहा है। मुझे ये पसंद है। मैं देखता ये एड तो मैं भी चला जाता शायद, लेकिन उस एड पे मिस्टर बीस का नाम नहीं लिखा है। वो नाम पढ़ के तो कितने लोग आ जाते हैं। ये मंडल को ले जाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल।
9, 10, 11, 12, 13 सारे डॉग्स अडॉप्ट हो चुके हैं। मैं इसे घर ले जा रही हूँ। ये हुई ना बात, एक और डॉग अडॉप्ट हुआ। अगर आप सोच रहे हैं ये एक्स का मतलब ये नहीं, रीजन देखो, उर्मिला भी मेरे को बहुत बार बोलती रहती है कि मिथिलेश हमें एक बिल्ली पालनी चाहिए, हम लोग का बिल्ली का बहुत बार बात होता रहता है। मेरे को एक चीज लगती है कि यार आई मीन इन सबकी जिंदगी लाइक 10-15 साल होती है, तो मैं ऐसा बंदा हूँ जो बहुत इजीली अटैच हो जाता हूँ। यू नो कि 10-15 साल के बाद ये नहीं रहने वाले अपने साथ। आई डोंट थिंक हम लोग कभी पेट रखेंगे। मैं ही उर्मिला का पेट हूँ। डॉग मर गए हैं, इसका मतलब है वो अडॉप्ट हो गए। मुझे दोनों पसंद हैं। इन्हें दो डॉग्स अडॉप्ट करने के लिए मना सकते हैं? हमारे यहाँ बाय वन गेट वन फ्री रूल है। ये दोनों फ्री हैं। एक्चुअली वो दोनों ही फ्री हैं। दोनों को अडॉप्ट करते हैं। मुझे लगता है तुम मेरे लिए। इधर आओ, इधर आओ। हम रॉकी को लेकर जाए। मिस्टर बीस्ट को डॉग से मिस्टर बीस्ट वीडियो बनाना चाहिए। अडॉप्टिंग 100 यूट्यूबर्स भाई, मैं चला जाऊंगा यार। मिला रहा है काल लोगों के साथ पार्क में है और देख रहा है कि वो डॉग्स को चुरा ना ले, और नोलन ध्यान रख रहा है कि लोग डॉग्स को अडॉप्ट कर लें, और साथ ही हमारे पास 50 लोग और हैं जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन डॉग्स को एक घर मिल जाए। हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है और हम इन सारे डॉग्स के लिए अच्छे घर ढूंढेंगे, और उसके साथ ही हर एक अडॉप्टर को एक सरप्राइज भी मिलेगा। तो क्या आप लोग सच में थॉर को अडॉप्ट करने वाले हैं? थॉर शायद। तो मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। जो भी डॉग अडॉप्ट होते हैं उन्हें फ्री में पेट फूड मिलेगा पूरी जिंदगी। आपको दिखाने के लिए इसे घुमा देता हूँ। फ्री पेट फूड पूरी जिंदगी और पेट इंश्योरेंस भी। क्या सच में इसका इंश्योरेंस होता है? क्या हमें पूरी जिंदगी खाना मिलेगा? नहीं, इसमें आपको इंसान का खाना नहीं मिलता। ओके। जब तक ये डॉग जिंदा हैं, तब तक इनके घर पर फ्री डॉग फूड। मेरे को ये डॉग पसंद है, मेरे को ये डॉग पसंद है। ये वाला जो है ना क्यूट क्यूट, ये मेरे लिफ्ट में मैंने देखा था, किसी का तो है मेरे बिल्डिंग में ऐसा सेम डॉग। ये मेरे को पसंद है, ये नहीं चबाते आई थिंक। ये एंजल कौन है जो ये सब कर रहा है? ये मेरा दोस्त जिमी है। तुम्हारे दोस्त जिमी को शुक्रिया कहना। पर फिर मैं इनसे मिला जो अपनी लाइफ में पहले से ही 6 डॉग्स को अडॉप्ट कर चुकी हैं, और फिर हम उन्हें लेकर गए कुछ डॉग्स दिखाने। पर जोई को देखते ही उन्हें उससे प्यार हो गया। ये इनका डॉग है और ये पहली बार जोई से मिलने वाला है। ये एक दूसरे को पसंद करेंगे या नहीं? ये बग घूम रही है जो कि अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि तुम जोई के साथ अच्छे से पेश आओ, ठीक है? देखो वो कैसे तो कितना बड़ा था। नो वे ऐसा कुत्ता मेरे सामने आएगा फट जाएगी भाई। इन्हें एक और चीज के साथ सरप्राइज करना चाहते थे। हम आपको देने वाले हैं $10,000 कैश में। उस कह रही है प्लीज, अगर आप इसे ढेर सारी स्क्रैचेस देने का वादा करते हैं। वो तो मैं फ्री में करती हूँ। अब 10,000 के लिए करेंगे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारी, देखो यार मैं क्या करूँ, मेरे को डॉग्स का फोबिया है, तो मेरे को स्कैरी लगेंगे कुछ डॉग्स, प्लीज अंडरस्टैंड। और भले ही ये एक केओटिक दिन था, दूसरे दिन के अंत तक 44 डॉग्स अडॉप्ट हो चुके थे। पर हमने नोटिस किया कि एक डॉग को बाकी डॉग्स के मुकाबले सबसे ज्यादा इग्नोर किया जा रहा था। इस डॉग का नाम है बफेट। इसके पास बस 3 पैर हैं क्योंकि इसे एक कार ने टक्कर मारी थी, जिसका मतलब ये है कि ये 100 में से एक डॉग हो सकता है जिसके लिए घर ढूंढना मुश्किल होगा। तो ये है मेरा सबसे फेवरेट डॉग, इसका नाम है बफेट। इसके सिर्फ 3 पैर हैं। लेकिन लकीली हमारे पास बफेट के लिए कुछ नई स्ट्रेटजीज थी, क्योंकि तीसरे दिन पर हमारे पास 50 से ज्यादा डॉग्स हैं जो अडॉप्ट होने बाकी हैं। तो पहली स्ट्रेटजी ये थी कि हम सबको पार्क में ले जाते और सारे डॉग्स को छोड़ देते ताकि वो अपनी फैमिली खुद चुन सके। तुम्हारे पास कैमरा है और तुम कैमरामैन हो, खूबसूरत है। क्या आपने बेबी का नाम सोचा है? मुझे लगता है हर्षी डॉग का अच्छा नाम है, चॉकलेट का नहीं। आप अंदर जा सकते हैं, हम आपको लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक अडॉप्ट नहीं करते तब तक बाहर नहीं आ सकते। तो आप इसे ले जाना चाहोगे? मुझे देखना है कि वो वाला जो डॉग है जिसको बस 3 पैर है उसको कौन अडॉप्ट करता है। क्या मेरे को बुरा लग रहा है? एक्चुअली बुरा लग रहा है। आई नो दैट डॉग्स को भी इमोशंस होते हैं, आई नो, इट्स जस्ट लाइक मेरा चाइल्डहुड का ट्रॉमा है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा नहीं बहुत। मुझे अगले 10 साल में डॉग्स का फियर निकालना है। गुड न्यूज ये है कि फाइनली बफेट को ज्यादा लोग देखने आ रहे हैं। ये आपको पसंद करता है? बफेट को शायद अब फैमिली मिलने वाली है। पर अनफॉर्चुनेटली क्या सोच रहे हो, टैनर या बफेट? हम टैनर को ले जाएंगे। क्या आपको बफेट नहीं चाहिए? हाँ, मुझे चलो फिर अब कुछ और डॉग्स को देखेंगे। Okay. तो हमने फिर से कोशिश की, और ये सबके साथ अच्छी तरह रहता है। फिर एक बार तो आपको बफेट नहीं चाहिए? मैं उसे नहीं ले जा सकता। कम ऑन गुड बॉय। सच बताऊं तो इस सिचुएशन ने हम सबको दुखी कर दिया था, इसीलिए हमने 50,000 खर्च किए एक कस्टमाइज्ड बफेट मार्केटिंग कैंपेन पर। हम हार नहीं मानेंगे जब तक बफेट को एक अच्छा घर नहीं मिल जाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग सारे पपीज जा चुके हैं क्योंकि लोग बड़े डॉग्स को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, और क्योंकि हमारे पास बस यही बचे हैं। ऑफ कोर्स, मतलब ये जो बड़े डॉग्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन भी कम होगी ना। इमेजिन करो यार, तुम लोग एक डॉग को अडॉप्ट करो, यू नो कि तुम लोग को बस उसके साथ 5 साल मिलेंगे। आई मीन डॉग ओनर ऐसे सोचते होंगे, आई डोंट नो। शेल्टर नाम की फैसिलिटी से है, वो किसी भी जानवर को मना नहीं कर सकते, इसीलिए वो हमेशा भरे होते हैं और उन्हें डॉग्स को छोड़ना पड़ता है ताकि वो और जगह बना सके। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा, और अब हम चौथे दिन पर हैं, और इस बार हमारे साथ है डेव बटिस्टा, जिन्हें आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से पहचान सकते हैं। थैंक यू। ये आपका फेवरेट है? ये बहुत है। ये अपना जादू चला रही है। मुझे बटिस्टा को लाया रे, कम ऑन, मुझे अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे?
आप तो हमेशा अडॉप्ट करते हो। हाँ, मेरे पास चार हैं, सब बचाए हुए। शायद पांच होने वाले हैं। हाँ। हमें देखिए, हम दोनों सुपर डिफाइंड लगते हैं। सबके डॉग्स चुनने के बाद अब वक्त है डेव के ऑफिशियल इनिशिएशन का। इस बार डेव अडॉप्शन करवा रहा है, देखते हैं वो कितना अच्छा एक्टर है। डेव, जब वो अंदर आए भौंको और एक डॉग की तरह एक्टिंग करो। ये मेरा रोज का काम है। ऐसे नहीं भौंकते यार, आयुष्य स्पीड से भौंकना। ये एक्टिंग की बादशाह कसम से। तो कैसे हो आप? ठीक है, अब आप रुक सकते हैं। इनके लिए मुश्किल नहीं बनाना चाहता। भौंकने के लिए सॉरी, मैं पूरा दिन डॉग्स से बात कर रहा था। हमारे पास तुम्हारे लिए एक प्राइज है। हमारे पास आप लोगों के लिए एक बड़ा प्राइज है, फ्री पेट फूड पूरी जिंदगी जिंस की तरफ से, और हमारे पास पेट इंश्योरेंस भी। कितना होता है पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी मतलब रुको, 15 kg पेट फूड 9,500 में मिलता है, 20 kg पेडिग्री 3,500 को मिलता है, 20 kg कितना दिन टिकेगा? 150 grams दिन का खाते हैं एंड 1 kg एक वीक का खाते हैं, तो अगर 20 kg लिया तो एक सेकेंड मैथ्स, 20 kg मतलब 1 kg अगर एक वीक में, तो 20 kg का 20 weeks, 20 weeks यानी कि एक महीने में होते हैं 4 weeks, 5 महीना, करेक्ट? रॉन्ग तो नहीं बोल रहा? 5 महीने 3,500 रुपये में हो जाएगा शायद। अगर उसको मतलब कुत्ते को भी वैरायटी चाहिए होगा, कभी कभी पाव भाजी फ्लेवर चाहिए होगा। 5 महीने का खर्चा है ऑलमोस्ट पकड़ो 5,000 रुपए एंड 12 महीने का खर्चा पकड़ो अराउंड 10-12,000 रुपए, सो 1 साल का खर्चा है 6,000 रुपए एंड कुत्तों का एवरेज लाइफ होता है अराउंड 14-15 साल, तो 15 साल का खर्चा है 15 × 6 विच इज 15 × 6 कितना होता है? 90,000 rupees, राइट? गलत बोल रहा है यार, मेरे को थोड़ा मैथ्स का प्रॉब्लम हो रहा है, रुको। और ये वो 100 कुत्तों के लिए कर रहा है, बाप रे, 100 कुत्तों के लिए × 100 9 crore rupees। आपके पप के लिए। ओह वाओ, ये अमेजिंग है। पर रुको, हमारे पास एक और सरप्राइज है। हमारे पास एक और सरप्राइज है। और फिर उस बीच पेंटिंग के पास जाओ, उसे घुमाओ और उन्हें दिखाओ इसके पीछे क्या है। क्या हमें वो पेंटिंग मिलेगी? क्या है अभी? I hate Guardians of the Galaxy. Thanks guys. यार वो इस मूवी में था। जब से डेव हमारी टीम का हिस्सा बने, डॉग्स का एडॉप्शन और भी ज्यादा फास्ट हो गया। क्या हाल है? 87 डॉग्स अडॉप्ट हो चुके हैं। तुम दोनों को लेना चाहती हो? बस आधा तो खत्म हुआ है और 13 लोग पेपर वर्क करते हैं। क्या सर, और जल्द ही हम आखिरी 10 और मुश्किल अडॉप्ट किए जाने वाले डॉग्स के करीब पहुंच रहे थे। वो डॉग अडॉप्ट नहीं हुआ ना अब तक? या देव, तुम हर बार उसके पास आ रहे हो, क्या चल रहा है? मेरे पास एक डॉग है जिसका नाम पैनी है और ये मुझे उसकी याद दिला रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि हम कनेक्टेड हैं। इसे बिना घर के देखकर बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। अगर कोई लेकर नहीं गया तो मैं लेकर जाऊंगा। अगर कोई अडॉप्ट नहीं करता तो आप इसे लो। मैं इसे अडॉप्ट करूंगा। ठीक है, आपकी बात याद रखूंगा। उसे घर मिलेगा चाहे जो भी हो। और वो सिर्फ डोरली नहीं थी जो पूरे दिन में फैमिलीज के द्वारा बार बार इग्नोर की जा रही थी। बफेट को देखकर लग रहा था कि वो उम्मीद हार रहा है, पर फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। बफेट बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे ग्रैंडपा के पास 3 पैर वाला डॉग था, क्या मैं इसे वॉक पर ले जाऊं? बफेट अभी से इसके साथ खुश लग रहा था। चलो आ जाओ मेरे साथ। लगता है ये बफेट का अडॉप्ट करने वाला है। बफेट को भागने में मजा आ रहा था और इसे इसके एक पैर ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने पहले भी 3 पैर वाले डॉग को खेलते देखा। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है बफेट को नया घर मिलने वाला है। तुम बफेट को घर ले जाना चाहते हो? हाँ, ये अच्छा डॉग लग रहा है। और बफेट के पास लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरत की सारी चीजें हो, इसीलिए हमने उसके लिए एक कस्टम प्रोस्थेटिक लेग बना कर दिया और उसके एडॉप्टर को दिए $10,000। बफेट को एक घर मिल गया, अब हमें इस केनल को भी निकालना होगा। बफेट, हम तुम्हें जरूर मिस करेंगे। ये अजीब है पर उसके केनल को बाहर निकाल कर अच्छा लगा। कितने 10 कुत्ते बाकी हैं, हम तुम्हें मिस करेंगे बफेट। अब शुरुआत है 5वें दिन की, सिर्फ 10 डॉगोज बाकी है। हमने सच में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। जैसे यहाँ कम डॉग्स है, लोगों के पास चुनने के लिए कम ऑप्शंस हैं, तो जाहिर है कि ये मुश्किल होने वाला है। और दिन की शुरुआत के लिए मैं अपने दोस्तों को ले आया जो डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते थे। ये नील है जो हमारी वीडियो में $1,000,000 हारा नील? था, और ये है डस्टिन जो 5 साल पहले $10,000 हारा था। ये मिलियन से बेहतर है। कोको के बारे में क्या ख्याल है? इसका नाम अब ज्यूस है, ये भी बहुत अच्छी बात है। 8 डॉग्स बचे हैं और हम उनके लिए घर ढूंढ कर ही रहे। हमें उम्मीद थी जैसे जैसे ज्यादा लोग आ रहे थे, कुछ लोग ओल्डर डॉग्स में इंटरेस्ट ले रहे थे। क्या डेक्सटर शेफर्ड है? क्या आपको शेफर्ड पसंद है? हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे शेफर्ड ही पसंद है। ओ, हाँ। जो शेफर्ड हमारे पास दो बॉयज हैं, तो अब हमें एक गर्ल चाहिए। वो बाहर आने के लिए तैयार है। ओ, हेलो, ये बहुत प्यारी तो है। आपने डेक्सटर को ले जाने के बारे में सोचा? आप उसे घर ले जा रहे हैं? हाँ, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, मुझे लगता है हमें इसकी जरूरत है। ये कितना खुश है। तो जैसे हमने कुछ और डॉग केनल्स निकाले, हमें उन फैमिली से वीडियो फुटेजेस मिलने शुरू हो गए थे जिन्होंने यहाँ से डॉग्स को अडॉप्ट किया। इसे अपनी लाइफ बहुत पसंद आ रही है। कूपर हमारी फैमिली का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। ये हेजल है, अब तक वो बहुत अच्छा कर रही है। हाय सेरा। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? गुड बॉय। यस।
पपीज के लिए थैंक यू मिस्टर बीस्ट। और ये बहुत ही अच्छा था। वीडियो की शुरुआत में हमारे पास 100 डॉग्स थे जो किल शेल्टर या रास्ते पर छोड़े गए थे, पर अब सिर्फ 2 बचे हैं। हमारे पास अब है स्टार क्रंच और डोरली, और जब लोग अंदर आ रहे थे उन्हें इन दोनों डॉग्स में से कोई भी पसंद नहीं आया। असल में मुझे छोटे डॉग की तलाश है। हमारे पास अब कोई भी छोटे डॉग नहीं है। सच कहूं तो मैं एक यंग डॉग की तलाश में हूं। हाँ, कोई बात नहीं। क्या आपके पास छोटे डॉग्स हैं? हमें चिंता होने लगी थी कि इन दोनों को घर नहीं मिलेगा, और इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्टार क्रंच और डोरली, कोई तो आया, कोई तो आया। क्या हाल है? कैसे हो? हाय। ये आखिरी 2 बचे हैं। ये डॉजबॉल में आखिरी पिक की तरह है। मैं इस वाले को ले जाना ठीक है। स्टार क्रंच जब नए लोगों से मिलती है तब बहुत शर्माती है, पर स्टार क्रंच इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। स्टार क्रंच इज गॉन। अभी बस लास्ट डॉग देखते हैं, वो लकी डॉग। सारे डॉग्स को अडॉप्ट होते हुए देख रही हो? नहीं, पास जाता है डोरली। और भले ही क्रंच को अडॉप्ट होते हुए देखना बहुत एक्साइटिंग था, खुद कर लेगा डोरली के लिए बुरा लग रहा था। ये लोग ही करें। ओह माय गॉश, ये सच में दुखी है। इसे लग रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और अब हमारे पास क्या है? अब जो भी डोरली को अडॉप्ट करेगा, हम उसे बाकी लोगों से और भी बड़ा सरप्राइज देंगे, क्योंकि ये आखिरी डॉग बची है। इसे केनल की जरूरत है। ये पूरी बिल्डिंग इसका केनल है। हमने डोरली को वो पूरा अटेंशन दिया जो एक आखिरी डॉग को मिलना चाहिए। हमने बस इंतजार किया, इंतजार किया और इंतजार किया। आखिरकार एक इंसान आया। कैसे हो दोस्त? ये डोरली है। ये तुम्हें पसंद करती है। हरे के नडालिया के दौरान छोड़े जाने के बाद उसे बचा लिया गया था, और अब वो हमेशा के लिए घर की तलाश में है। मुझे लगता है उसे मिल गया। पर डोरली को घर ले जाने से पहले एक इंसान से अप्रूवल लेना होगा। इसे यहाँ देखकर बुरा लग रहा है। बटिस्टा, बटिस्टा को चाहिए था ये। क्या हाल है? मैं चाहता हूँ कि आप इसे ब्लेसिंग दें। बटिस्टा को डायरेक्ट वीडियो कॉल किया। हम इन्हें पेपर वर्क देने वाले हैं। टेक केयर। मैंने डेव का कॉल कट कर दिया। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कंग्रेचुलेशंस डोरली को अडॉप्ट करने के लिए, और आखिरी डॉग को अडॉप्ट करने के इनाम में तुम्हें मिलते हैं $20,000 कैश में। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि हमेशा इसका ध्यान रखोगे। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक आखिरी सरप्राइज है उनके लिए, जिन्होंने इन डॉग्स को अडॉप्ट करवाने में मेरी मदद की। अंदर आ जाओ। हमें अपनी जगह का इस्तेमाल करने देने के लिए थैंक यू। हम $1,00,000 डोनेट करना चाहते हैं, ताकि आप अबैंडन डॉग्स के लिए घर ढूंढना जारी रखें। इसके वीडियोस ऑनेस्टली बहुत अभी अलग होने लगे हैं। पहले वो गाड़ियां दिखाता था, बड़े बड़े शिप्स दिखाता था। अब उसके वीडियोस में मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 वीडियोस से अलग ही इमोशन होने लगा है। लाइक म्यूजिक भी चेंज हो चुका है, बहुत सारे अलग अलग चीजें होने लगी है। लाइक पहले देखो, सब ऐसे गेम्स होंगे, वर्ल्ड्स डेडलीस्ट लेजर मेज, फिर वो गाड़ियां दिखाएगा, फिर लंबोर्गिनी को फोड़ देगा। लेकिन आजकल उसके वीडियोस बहुत चेंज हो गए हैं। अच्छी बात है मिस्टर बीस्ट, डोंट वरी, व्यूज आएंगे तेरे को। एनीवे गाइस, आई थिंक क्यूट तो होते हैं डॉग्स। वीडियोस में डॉग्स को देखने में बहुत मजा आता है। रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता मैं अभी भी हाथ लगा सकता हूँ इनको। उर्मिला तेरे को डॉग चाहिए? मुझे डॉग भी चाहिए, कैट भी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये होता है कि उनका लाइफ स्पैन खाली 15 इयर्स है, बट मुझे डॉग्स और कैट्स दोनों बहुत पसंद है। और मैं वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अभी हम निकलते हैं और मिलते हैं।